आवाज सामना तुमच्यामध्ये मॅच होते आणि सहाव्या सामन्यामध्ये आपण जिंकलात तर काही हरकत नाही आहे. पुढच्या मॅचसाठी शुभेच्छा आणि चंद्रकांत रावजी आपल्याला देखील पुढच्या मॅचसाठी शुभेच्छा. आणि उद्या नाईट्स मॅच आहे, जरा वेळेवरती निघा. सुखापूर टीम वेळेवरती जाते, तुमची दुसरी मॅच आहे ना, नंदादेवी नांदगाव आणि बेलवली पहिली मॅच आहे, वामनजा आणि सुखापूर दुसरी मॅच आहे. 8:30 निघा, हा 9 वाजता ग्राउंड वरती पोहोचा. आपली लास्ट लाय तुमची तिसरी. चला कॉमेंट्री साठी कोण आहे का सुभादा? इकडे बस. डॉक्टर गोपीनाथ. चला गोलंदाज कोण आलाय? यशवंत. आणि सलामीचा फलंदाज आपण पाहतोय डॉक्टर गोपीनाथ. लई घुमायले लोकांना, आता तुमच्यावरती वेळ आलाय. घुमायले घुमायले डॉक्टरने हा चेंडू खेळून काढलाय. डॉक्टरना ये विनोद, विनोद पाटील आमचे एक जबरदस्त खेळाडू आहेत. विनोद आणि विनोद पाटील आणि डॉक्टर गोपीनाथ. पहिलाच चेंडू, पहिल्या चेंडूवरती एक धाव आली आहे. दुसरा चेंडू डॉक्टर गोपीनाथ खेळण्यासाठी सज्जा. चेंडू मस्त खेळून काढलाय, एकदा जोडली. दुसऱ्या धावाचा प्रयत्न विनोदने केलाय आणि या दोन धावा सजगत्या पूर्ण. नेरा 40+ मास्टर आणि त्यांना 2 रन करील खारघर. ए सांग ना मोतीन बोल झाले असं आहे. तर 3 चेंडूचा खेळ झालाय तर धावसंख्या 4. फुलटास चेंडू आणि डॉक्टर साहेबांनी घुमवला, थांबणार नाहीये चेंडू. वन बॉल चेंडू फील्ड केला जातो. क्षेत्ररक्षक भाई त्या ठिकाणी होते आणि या पुन्हा एकदा 2 धावा. या 2 धाव्याने संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचली 6 आकड्यावरती. चला गणेश म्हात्रे आपण या ठिकाणी पश्चिम विभागीय अध्यक्ष आमचे आदरणीय श्यामभाई पाटील यांचा येतोची सन्मान करावा. येतोची सन्मान या ठिकाणी करावा. यस पुन्हा एकदा यशवंत. आताचा चेंडू काय जबरदस्त फटका खेळलाय पॉइंटच्या रिझन मधून आणि चेंडू गेला सीमारेषा बाहेर. डॉक्टर गोपीनाथ यांच्या बॅट मधून आलाय दमदार चौकार. धन्यवाद डीजे. तर आमच्या राजाकिनी म्हणजे आमचे चाचू यांचा यथोचित सन्मान. आमचे ज्ञानेश्वर भुईर चाचूंचा स्वागत या ठिकाणी केला जाईल. हा चाचू आपण आलात आणि खऱ्या अर्थानं एक सामना देखील जिंकलात. आज संध्या आहे कपिल परदेसीला हा फ्रीज घरी न्यायची. आता बघूया कोणता खेळाडू हा फ्रीज घरी घेऊन जातोय आणि आज बायकोला खुश करतोय. सुभाष ठाकूरला देखील संधी आहे. प्रीतम पाटीलला संधी आहे. सुभाष ठाकूरनी 17 धावा काढल्या फक्त. मात्र प्रीतम सुभाष ठाकूरनी किती काढल्या? 25. प्रीतम 35. रुपेश उलवेकर आणि प्रमोद भुप्पीला संधी आहे. त्याच्यानंतर कपिल परदेशीला संधी आहे. अद्यापि तिकडे आदईचा किशोर भुपी वाघ तिकडे बसलाय ना, हा त्याला सुद्धा संधी आहे. श्रीचंद भंडारी तुला नाही येतो, गोलंदाज आहे. यस चला जाऊया मॅच मध्ये, आपण थोडस एन्जॉय करतोय. यस चले हिंदी के ओर चलते है. इस समय खारघर 40+ मास्टर की ये टीम मैदान के अंदर खेल रही है. जिन्होंने टॉस जीतकर पहला फील्ड को पसंद दिया और इस समय बल्लेबाजी को न्योता दिया जो कि हमारे नेहरा विभाग से आई हुई ये नेहरा टीम. नेहरा धुंधरा विभाग से नेरे टीम खेलने के लिए तैयार. पहला ओवर का खेल खत्म हो चुका है और 12 रन स्कोरबोर्ड के. महेश भोईर, महेश की एक गेंद लोअर गेंद फेंकी थी इस समय या गली रीजन के जाती हुई गेंद. तब तक थोड़ी सी फंबलिंग वहां पे खिलाड़ी दिखाती हुए ये 2 रन. ये 2 रन की वजह से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 14 के ऊपर. घड़ी अभी तक एक भी खिलाड़ी बाद नहीं है इस समय. बढ़िया ये 40+ का आयोजन नियोजन
जय हनुमान 40+ मास्टर पड़गे का ये शानदार आयोजन नियोजन 40+ मास्टर देखे तो सब बढ़िया खेल दिखाते। इस समय सीधा सीधा बल्ले से गेंद गई वन टप्पा लेके गई पड़गा गांव में चार रन के लिए। धन्यवाद डीजे। इस चार फिर एक बार उड़ा दिया गेंद वन बाउंस और एक सिमर एक बाहर जाएगी चार रन के लिए। बैक टू बैक दो चौके दागे है विनोद पाटिल। टीम का स्कोर इस समय हो चुका है करीबन 22 रन के ऊपर। जो सुभाष ठाकुर देखे थे पहली ओवर में खाली आए थे 12 रन और इस समय तीन गेंदों के ऊपर आए 10 रन। क्या बढ़िया बल्लेबाजी का नजराना पेश करते हुए यस विनोद पाटिल को ये मेरा है। विनोद पाटिल को पता है कि इस ग्राउंड के ऊपर कैसा खेलना चाहिए क्योंकि वो इस मैदान के ऊपर सदा के लिए सराव करने के लिए आते हैं। हाँ सराव करते हैं इस समय। और ये देखिए उड़ाया उड़ाया और गेंद गई सीधा पड़गे गांव में साकरपुड़ा देखने के लिए। धन्यवाद डीजे। क्या बढ़िया स्ट्रोक लगाते हैं विनोद पाटिल। क्या खा के आए ये विनोद पाटिल घर से सेट होके आए। हाँ ये बढ़िया बढ़िया स्ट्रोक लगाते हैं। ये गेंद भेजी डायरेक्टली गांव में पड़ गई। गांव में तीन सगाई है और तीन सगाई देखने के लिए गई थी हमारे अनिल जी टेम्बे। क्या हम्पायर की भूमिका निभाते एक शानदार हम्पायर है हमारा जो भी देखे ना तो एक बढ़िया बढ़िया हम्पायर की भूमिका बढ़िया अंपायर की भूमिका। और इस समय देखिए बीच मैदान के ऊपर अंपायर का भूमिका निभाते हुए ये मच्छिंद्र मात्रे। हालांकि एक साल उनको बचा है आने के लिए लेकिन आएंगे अगले साल से आएंगे जरूर 40+ में। तो स्कोरबोर्ड पे और एक बढ़िया उड़ाया उड़ाया और चिड़िया चुप सकती थी खेत में लेकिन ये क्या हो गया भाई ने उनको चांस दे दिया विनोद पाटिल को। ये बहुत महंगा गिरने वाला है। हाँ ये 24 कैरेट का सोना है असली सोना है। हाँ ये देखिए ये अगर चमक गया ना तो भले भले की क्या बोलते हैं बत्ती गुल हो जाएगी कृष्णा सर। हाँ ये बढ़िया बढ़िया है बढ़िया यस सर यस सर यस सर यस बढ़िया खिलाड़ी है ये नीरे टीम के। ये देखिए उनको पता है गेंद कैसे कौन सी गेंद को कैसा किस तरह से खेलना चाहिए। जो गेंद हवा में खेलना चाहिए उनको हवा में खेलते थे जिनको सम्मान देना है उनको सम्मान देती है। इस समय स्कोरबोर्ड सुभाष ठाकुर मस्त भाई की पेंटिंग करते हुए कितना स्कोर 32 तीन ओवर का खेल दो ओवर का खेल खत्म और दो ओवर के बाद स्कोरबोर्ड के ऊपर रन आए 32 विदाउट लॉस। इस ये महेश भोईर काफी महंगे गेंदबाज हो गए। हमारे एरिया में खेलते थे क्या कुछ फायदा है क्या उनको 20 रन खर्चे किए उन्होंने क्या कहेंगे प्रीतम भाई आप। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल एक्चुअली आप अभी कह रहे थे कि सोना है नहीं खरा सोना है एक्चुअली जितना भी ये धूप में जितना ये हो जाएगा ये सोना उतना चमकेगा और ये चमक रहे विनोद भाई चमक रहे उसी के। हाँ लेकिन ये महेश भोईर भी एक खरा सोना है लेकिन वो क्या पित्तल लग रहे आज नहीं वो खारघर से आते आते क्या वो खाड़ी के पास है ना। हाँ तो जरा वो नमक का थोड़ा सा ये लग गया उसको। हाँ तो कहीं ना कहीं जंग पकड़ा ये सोने ने मगर बल्लेबाजी में दिखा देंगे अपने जोर जरूर जरूर लेकिन ये भी खरा सोना है लेकिन अगर भाई जेल कैच लपक लेते ना तो मजा आता था लेकिन भाई ने आज बहुत मिसफील्ड की है। चलो आए हैं हमारे दूसरे गेंदबाज और विकास विकास और क्रमांक तीन नंबर का और इस समय 32 रन 16.00 की सरासरी इस समय देखिए तो नेरा 40+ टीम की। ये डॉक्टर को ज्यादा संधि नहीं मिल रही है क्या कोई बात नहीं है विनोद उधर अच्छा बल्लेबाजी कर रही है लेकिन देखिए घुमाया उल्टा लेकिन गेंद बल्ले के पल्ले आ गई नहीं और इस समय डॉट गेंद
और नहीं साथ में आप देख सकते हैं कि विकेट कीपर के पीछे जो दो फील्डर्स हैं पालेश्वरी के, उनकी फिटनेस बहुत अच्छी है और साथ में सबसे बेस्ट फील्डर माने जाते हैं इस एरिया के। ये देखिए यार जयदश के हाथ में गेंद गई है और रन कैसी भी आई है लेकिन आना जरूरी है नेहरा टीम के लिए। लेकिन आज क्या ये पालेश्वरी के दो खिलाड़ी सब में दिख रहे हैं, कैलाश की जगह संभाल रहे हैं। आज कैलाश नहीं है हमारे खेड़ों पर है के, इसलिए रुपेश उलेकर और जयदाश। यस यस, क्या बात है। आज कैलाश को आमंत्रण निमंत्रण दिया नहीं शायद आपने, देना चाहिए था, फोन तो करना चाहिए था एक भाई आपको। हमने कार्ड तो बनाया था, बनाया है और गाड़ी में रह गया। काफी लोगों का कार्ड लगभग 140 कार्ड है हमारे, शायद हमारे घर पे भी कार्ड नहीं आया, खाली फोन पे बताया हमको आपको सुबह आना है। चलो हम लोग आ गए, कोई हमको आमंत्रण निमंत्रण की जरूरत नहीं है। जिधर जिधर 40+ का आयोजन रहेगा, जो हमारे आदय की टीम ने अभी उनका प्लान चालू है नाइट रजनी रखने का। नीलेश और दीपक शेलके उधर, नीलेश वाघमारे, यस नीलेश वाघमारे आइए, आपका तहे दिल से स्वागत। और हमारे जो कैंसिल किया, नहीं कैंसिल नहीं किया। जबरदस्त गेंद, आपने देखा होगा ये बॉल को ऑफ साइड में पिच किया, बॉल थोड़ा स्कीट होके लेग साइड लेग स्टंप लेके गई और बल्लेबाज तो डॉक्टर आप खुद उधर मरीज को अच्छा बनाने के लिए गए तो खुद आप मरीज बन के वहां से आ गए क्या डॉक्टर साहब? आप उधर मरीज का इलाज करने के लिए गए थे लेकिन आप खुद मरीज हो गए। देखिए ये देखिए हमारे, देखिए एक बार लाइव चलिए डॉक्टर साहब, लाइव चलिए। हाँ बढ़िया, ये देखिए ओके एक दा ये ना ये डॉक्टर साहब है ना, ये बहुत ही हंसी मजाक वाले इंसान है। स्कोर बोर्ड पे 33 रन, हाँ 33 रन हो चुके हैं। 40+ का क्रिकेट बोला तो एंजॉयमेंट का क्रिकेट और उसमें डॉक्टर साहब का एक अलग ही झलक है। प्रीतम भाई जरा मैं आपको एक निवेदन देता हूँ, नहीं तो मैं निवेदन नहीं है कहीं सलाह ही देता हूँ। आप थोड़े ना हमारे रायगढ़ क्रिकेट समालोचक एसोसिएशन के सदस्य भी है, एक बेस्ट अंपायर की भूमिका निभाते, लेकिन आप मेरे ख्याल से अभी अंपायर मत, ये कॉमेंट्री के रीजन में आ जाओ। 1500 रुपये का 2000 रुपये का पैकेट मिलता है भाई। हाँ ये देखिए आज शुरुआत की कमेंट्री के लिए ऑफर भी आ गई। संदेश जी आपको चाबी देना है आपके गाड़ी का कृष्णा भोईर जी को, जरूर क्या मालूम है क्या, 1500 रुपया ऐसे अपन जाओ कंपनी में काम करो इधर तो 1500 रुपया नहीं मिलता, 500-600 रुपया कुछ मिलता है 8 घंटे का। लहू कितना मिलता है? उतना ही ना, 8 घंटे का कितना मिलता है? 800 रुपया मिलता है। लेकिन यहाँ पे खाना बिना सब पानी बिनी मुक्त मस्त वही की खाली आपको चिल्लाने का इधर शाम को कुछ मिलता है के साथ में? और यस यस वो देखो ना आप, तो शाम को आयोजक और आपका करीबी रिश्तेदार रहता है ना और दोस्त कोई, तो और ऐसे गणेश मात्रे की तरह आज अभी उनको पता है सत्यवन मात्रे इधर आए तो उनको कुछ लेके आना पड़ेगा, ऐसे तो वो भी होता है ना टेम्बे सर, सब होता है। हाँ वल्लभ के नाइट में क्या हम्पायर की भूमिका निभाते, कल देखे हमने ये ऐसे वैसे वाकड़े तिकड़े हाथ फेरा रहते, लेकिन चलो रन हो चुके 34 रन। चलो क्यों इस समय टेम्बे जी की मैं तारीफ करूंगा, एक्चुअली आपने आगे देखा होगा तो कंटिन्यूसली हर जगह पे हम्पायरिंग के लिए टेम्बे जी दिख रहे हैं। एक समय था कि बाहर के अंपायर्स आते थे मुंबई के अंपायर्स से, मगर अभी जो ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी अंपायर्स हैं आप देखेंगे बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। इसका पीछे का राज है रायगढ़ क्रिकेट समालोचक एसोसिएशन, सबको संधि मिली है, घर बैठ के आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, आप बाहर निकलो प्रीतम जी आपको सब कुछ मिलेगा। और ये क्रेडिट है ना कहीं आपको और रवि भोईर जी को जाता है, ये जरूर अवसर खड़ा करना बहुत जरूरी था और अवसर देते नहीं है कोई, और ये अवसर आप लोगों ने खड़ा किया और जो छोटा सा बीज कहीं ना कहीं आपने लगाया था आज वो पेड़ बन गया है। जरूर अब बात करते ना बीच का वट वृक्ष हो गया और वट वृक्ष की जो क्या उसके पारंब्या जो फांदिया पारंबी ऐसी झूलती है वो ऐसे वट वृक्ष तो हो गया, उसके पारंबी भी बहुत अभी जड़ तक जा चुकी है। ये बढ़िया सब देखिए घर बैठ के, कोई बोल रहा है मेरे को 1500 चाहिए, कोई बोलता है मेरे को 2000 चाहिए, अभी कुणाल दाते तो 5000 रुपये की डिमांड कर रहा है। आपको एक ये दूंगा कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा क्योंकि आपने जो संगठन बनाई
उसमें से ही कुणाल दाते आज आईपीएल में कमेंट्री कर रहे हैं, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जाके कमेंट्री कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। जरूर और सर, उसकी नीम कहीं ना कहीं आपने रखी थी। जरूर जरूर सर, कुणाल दाते का क्या कहना, लेकिन देखिए जो अच्छा करेगा ना उसको जरूर आयोजक उठाएंगे। अभी हमारे फॉर्च्यून इवेंट वाले देखिए, लाइव वाले भी कमा रहे हैं, आज 4,000 रुपये दिन का ले रहे हैं, लेकिन उनकी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट है। देखे 2 लाख इधर ही दिख रहे हैं, 1.5 लाख का कैमरा, ये कुछ 70-65 हज़ार का इधर लैपटॉप दिख रहा है, उनकी भी इन्वेस्टमेंट है। सबको संधि मिली है, सबको कमाने का मौका मिल रहा है। हमारे ये मंडप डेकोरेशन वाले हमारे शरद भाऊजी वो भी कमा रहे हैं, सब कमा रहे हैं, गेंद वाले कमा रहे, बैट वाले कमा रहे, ट्रैक टी शर्ट वाले कमा रहे। करीबन इस समय में ये क्रिकेट के ऊपर करोड़ों का खर्चा होता होगा सीजन के लिए। जरूर जरूर, हाँ अभी नया लाइव भी आने वाला है, क्लासिक लाइव CTC क्लासिक टेनिस क्रिकेट लाइव भी आने वाला है हमारे सत्यवान म्हात्रे का। और 2 गेंद की समाप्ति के बाद 38 रन अभी यहाँ पे स्कोरबोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं। काफी अच्छा सेकेंड ओवर में अच्छा स्कोर हुआ था, थर्ड ओवर में थोड़ा सा कहीं ना कहीं बैकफुट पे दिखाई दी नेहरा की टीम, क्योंकि बैट्समैन अभी भी क्रीज पे विनोद पाटिल है। और यहाँ पे मिसफील्ड, और ये मिसफील्ड का भुगतान कहीं ना कहीं टीम को जाएगा 4 रन के बदले में, और टीम जाके पहुंच रही है 42 रन पे। बेहतरीन शॉट, मगर यहाँ पे कहीं ना कहीं फील्डर्स ने साथ देनी चाहिए गेंदबाज को, क्या कहेंगे आप? ये जो महेश भोईर है ना, ये खाली बातें ज्यादा करते हैं, ये बातें ज्यादा करते हैं, लेकिन उनमें यस यस थ्रो जाओ थर्ड अंपायर के लिए जाओ आप। हाँ जाओ, तो एक खुशखबर है 40+ के लिए, 40+ के लिए खुशखबर है। आने वाले 25 मार्च 23 2023 कोलवाड़ी में एक बढ़िया हिमांशु इंटरप्राइजेस पुरस्कृत कमल करंडक 40+ टीम के लिए, तबल 30 टीम 40+ की रहेंगी वहां पे, 30 टीम 40+ की रहेगी। नाइट का आयोजन, एक बढ़िया नाइट का आयोजन 25 मार्च से और 30 मार्च तक आ जाइए हमारे एक बढ़िया आयोजक प्रशांत शेठ पवार, इनका आगमन और उनके साथ मनोज, आइए आइए। पालेश्वर में क्या धमाल की थी उन्होंने, पालेश्वरी नाइट एक बढ़िया नाइट हो चुकी है हमारे एरिया में, जो कि वहाँ पे 4 दिन रेगुलर और आखिरी दिन में हमारे 40+ को संधि उन्होंने उपलब्ध करके दी थी, और वहाँ पे वलवली टीम चैंपियन बनी थी। आज वलवली टीम पहली दौर से बाहर गई है, क्या कहेंगे सुभाष ठाकुर? आज वलवली टीम खेलने के मूड में आई ही नहीं थी, तो चलते हैं। और रन इस समय 42 रन, चलो आखिरी दो गेंदे का भाई इस समय, भाई आखिरी गेंद फेंकते हुए इस समय देखिए गेंद स्लोअर डिलीवरी की थी, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं है, और इस समय भाई बढ़िया गेंद का इस समय, और गजानन की बारी भी समाप्त। यस तो इस समय मंच के ऊपर हमारे अतिथि मेहमान अविनाश जी वुलवेकर, इनका स्वागत। अविनाश वुलवेकर, तो महेश इस समय भाई गेंदबाज आखिरी ओवर ना, अरे ये देखिए ये बल्लेबाज आउट है, लेकिन बॉल काउंट नहीं है इस समय, बल्लेबाज आउट है। ये नियम है विनोद जी पाटिल, ये नियम है, नियमानुसार आप चलो नियमानुसार अपन आबोट आ, बॉल काउंट नहीं है, अपन तिकडेच राहा तुम्ही उभे, चला टर्म ठोकून घ्या,
स्ट्राइकला आमचे प्रीतम मात्रे आहेत का बॅट्समन विनोद आहेत का विनोद नॉन स्ट्राइकला आहे चला अंतिम चेंडू आहे विनोद पाटील अंतिम चेंडू आहे चला मच्छिंद्र शेवटचा चेंडू आहे अंतिम चेंडू फेकण्यासाठी भाई तयार असेल समोर खेळण्यासाठी आता त्या चेंडू अक्रॉस द लाईन केला रुपेश उलवेकरने काय चेंडूला फील्ड केला तोपर्यंत एक धाव आली एकेरी धाव संघाची धाव संख्या झाली होती 43 आणि 44 धावांचा आव्हान सेट केलं जिंकण्यासाठी खारघर 40+ टीम समोर ते म्हणजेच नेरा 40+ मास्टर या टीम ना आइए प्रीतम जी आप आइए चला नावडा टीमच्या संघनायकाला विनंती आहे नावडा टीमच्या संघनायकाला विनंती आहे आणि आदई आदई टीमच्या संघनायकाला विनंती आहे आपण या लगेच चला स्वागत करून घ्या आपण तर मी रामदास भाई आपल्याला विनंती करतोय की आपण प्रशांत पवार यांचा येतो जे सन्मान करावा यमनशेट जी दरे आपण या 20 किलो चिकन आज दिलंय आपण यमनशेट दरे यांनी तर प्रशांत पवार साहेबांचा तुझे सन्मान या ठिकाणी करायचा आहे आणि त्याच्यानंतर अविनाश दादा उलवेकर हा माजी सरपंच ग्रुप ग्रामपंचायत पालेबुद्रुक कोलवाडीचे अविनाश दादा उलवेकर यांचा तुझे सन्मान या ठिकाणी केला जाईल त्याचनंतर आमचे प्रशांत पवार या ठिकाणी उपस्थित आहेत त्यांचा तुझे सन्मान या ठिकाणी केला जाईल या मनोहर आणि निलेश शेळके या आणि हेमंतजी दरे यांचं देखील स्वागत मी प्रीतम पाटील यांना विनंती करतोय हेमंतजी दरे यांचा तुझे सन्मान पण करावा त्यांच्याकडून आपलं 20 किलो चिकन या निलेश शेळके आपल्या नाईट मॅचेस कधी आहेत सांगा जरा लाईट पॅटल घ्या लाईट मी कधी तारीख काढा ना लाईट दिली कधी तारीख आहे नाही पुकारले आम्ही 25 मार्च पासून 30 टीम हा नावडे संघाचा संघनायक नावडे संघाचा संघनायक देखील उपस्थित आहे तर नाणेफेकी करण्यासाठी मी तर अविनाश दादा उलवेकर आपल्या शुभ हस्ते या ठिकाणी या नाणेफेकी करायचे आमच्या नावडे संघाचे संघनायक या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि आदय संघ देखील आलाय नाही प्रशांत पवार साहेबांच्या हातशी आपण मॅन ऑफ द मॅच देऊ अविनाश दादांच्या हातशी टॉस चला क्षेत्ररक्षण सजून घ्या लगेच नेरे टीम आपण क्षेत्ररक्षण लगेच सजून घ्या आणि प्रीतम जी या जरा सपोर्ट करा किरण शेट खानावकर आज किरण शेटचा लग्नाचा वाढदिवस आहे नाही नाही आज आहे किरण खानावकर यांच्या लग्नाचा आज वाढदिवस आहे जा कुठेतरी वहिनी विलेला घेऊन जा कशाला नाही जर रागवतील वहिनी खेळायला गेली बरं की नवरा या इकडं तुमचं खऱ्या अर्थाने आम्ही स्वागत करतोय पार्टी सगळे नेहमीच येत कलर खेळायला नेहमीच नेहमी ते आमचे निकेश यावरती आपण आणि भाई आपण देखील यावरती 17 चेंडू फोरा आमचं अरे काय याला ये चाचू श्याम भाई हे काय आहे या असोसिएशनच्या मॅच आहेत ये कारगर कर 17 चेंडू पुरला आमचं या आमचे विशाल भाऊजी यावरती नितेश भाई यावरती आपलं स्वागत करायचं आहे आम्हाला हा
तर नितेश भाई यांचा इथे जो सन्मान या ठिकाणी लहू भोईरांना विनंती करतो की आपण नितेश भाईचा इथे जो सन्मान करायचा आहे. आमचे बलचंद्र भाई आपण फोटो काढा. तुम्ही आमचे कान पकवणार आहात दिवसभर. 1111 रुपये त्यांच्याकडनं देणगी आले, म्हणजे 1111 रुपये आमचे नितेश भाई यांच्याकडनं. आणि भालचंद्र काय आपण नाणी पैकी जिंकलात का हरलात? जिंकलेत का? तर विशाल भाऊ काय निर्णय काय घेणार आपण? आज फिल्डिंग घेणार आपण. आज सगळे खेळाडू तुमचे उपलब्ध आहेत का? थोडे कमी आहेत, काय हरकत नाही आहे, मात्र चांगला खेळ करा. भाई आहे का? भाई भाई नाही आहे. मग आपण आज भाई नाही आहे, मग आज कोणत्यावरती जास्त मजार असेल? आमची मजार असेल बॅटिंगच्या क्षेत्रात असतील आमचे किरण खानावकर, आमचे बंधू विजय खानावकर, मी स्वतः, तसेच अभिमन्यू खानावकर, भालचंद्र खानावकर. म्हणजे आज भाई नाही आहे तर थोडासा पगडा भारी असेल आदळी संघाचा. मात्र फोन करू शकता तुम्ही. एक इनिंग आहे, चार षटक आहेत. आता भाई जर येत असेल तर, कारण ज्या वेळेला भाई मैदानामध्ये असेल ना तर वेगळीच एनर्जी असते, ऊर्जा ऊर्जा संसार असते. आणि खऱ्या अर्थाने आपल्या मॅचेस झाल्या 40+ एक मस्त आयोजन झालं. त्याच्यामध्ये चॅम्पियन संघ ठरला होता आपण पाहिलं, सुखापूर 40+ रेग्युलर टीमला सुद्धा प्रीतमभाई त्यांनी पराभूत केले होते. ते बामाली टीम होती त्यांना, रेग्युलरला त्यांना सुद्धा पराभूत केले होते. तर विशाल भाऊ पुन्हा एकदा तुम्हाला शुभेच्छा देतोय मॅचसाठी. आणि जाऊया आपण मॅचच्या दिशेने. आणि पहिला गडी, पहिला मोहरा गार होतोय तो खेळू खारघर टीमचा फलंदाज यशवंत मैदानातून बाहेर. डीजेला संधी. मला घाबरला डीजे किरण एनजी. चला या ठिकाणी यशवंत, छोटीशी पारी या ठिकाणी. पहिल्या चेंडूवरती बाद झालाय का यशवंत? येस, पहिल्या चेंडूवरती बाद झालाय. गोलंदाज पाहतोय आपण, गोलंदाज दिनेश. काय जबरदस्त गोलंदाजी आहे. मात्र आता चेंडू असणार आहेत 23 आणि जिंकण्यासाठी तब्बल 44 धावसंख्येची आवश्यकता. सुभाष या ठिकाणी जर विचार केला तर 11.00 ची सरासरी गाठायची प्रत्येक षटकामध्ये ती खारघर टीमला. मात्र खारघर टीमकडे चांगले चांगले हुकमी मोरे आहेत. यशवंत महेश आहे, परत यशवंत बाद, आता विकास. विकास सारखा एक अनुभवी खेळाडू मैदानामध्ये डावखोऱ्याचा खेळाडू आहे. मागच्या गतवर्षी याच मैदानावरती त्या पत्रांच्या सेटवरती विकासने षटकार मारलेला होता. आणि खऱ्या अर्थानं वलवली संघावरती मात केली होती आणि वलवली संघाने देखील त्यांना चांगला प्रत्युत्तर दिला होता. तर एका धाव्याने स्कोर बोर्ड ओपन झालाय तो खारघर टीमचा. खारघर टीम काय मैदानामध्ये खेळतंय बघूया. आता महेश चढ्या चेंडू, चेंडू पॅड वरती आदळतोय. चेंडू आणि चेंडूबॉलचा संपर्क नाही आणि निगेटिव्ह चेंडूची सांगता झाली आहे. तर सुभाष ठाकूर या ठिकाणी विचार केला ना तर थोडा अडचणी आता वाढल्या आहेत. येस, तर सोमा सोमा या इकडे, लवकर या, अर्जंट आहे, काम आहे तुमचं, या इकडे. आपण पुन्हा एकदा जाऊया मैदानामध्ये. दिनेश समोर, फलंदाज महेश भोईर. आ चेंडू दांडी दांडी गुल होता होता वा राहिली आहे. काय गोलंदाजी करतोय, स्लोअर पद्धतीचा चेंडू. भोई महेश भोईराला चेंडू समजत नाहीये. पुन्हा आता निगेटिव्ह चेंडूची सांगता झाली आहे. अप्रतिम चेंडू,
आणखी एक निगेटिव्ह चेंडूची सांगता झाली आहे। तर 25 मार्च पासून कोलवाडीमध्ये एक जल्लोष पाहायला मिळणार। तिथे 30 40+ संघ नाईट आणि 30 रेग्युलर संघ असणार आहेत। स्पर्धा ही नाईटची असणार आहे। हा आमचे आदरणीय कोलवाडी पालेबुद्रुक ग्रामपंचायतचे माजी सदस्य आणि रायगड 40+ मास्टरचे उपाध्यक्ष आणि हिमांशु इंटरप्राइजेसचे प्रोप्रायटर आणि त्यानंतर खऱ्या अर्थाने रायगड क्रिकेट समालोचक असोसिएशनचे संस्थापक आणि सल्लागार आदरणीय रवींद्र सेठ भोईर यांच्या माध्यमातून कमल करंडक ही स्पर्धा असणार आहे। स्पर्धेचे आम्ही तुम्हाला एंट्री फी किती आहे, बक्षीस किती आहे ते थोड्याच वेळात कळवू। हा संपर्क प्रीतम पाटील पडगे आणि सत्यवान म्हात्रे बळवली यांच्याशी आपण संपर्क साधा। यस 6 खेळाडू बाहेर। कमल करंडक म्हणून ती स्पर्धा असणार आहे कोलवाडीच्या मैदानावरती। नाही टीमा आम्हाला ऑलरेडी टीम आमच्याकडे 40+ 42 टीम झालेत। हा 40+ 42 टीम ऑलरेडी आम्हाला कॉल केलेत। तर गोलंदाज आलाय, गोलंदाज संतोष। संतोष आलाय समोर फलंदाज, काय उडवलाय उडवलाय आणि चेंडूखाली क्षेत्ररक्षक तैनात आणि महेश भोईर देखील मैदानातून बाहेर। डीजे बढ़िया बढ़िया। यस डीजे देखिए, डीजे कृष्णा नाही आहे, डीजे आमचे कृष्ण मात्र झोपलेत का? यस कृष्ण मात्र थोडेसे थकान महसूस करतात कारण डे नाईट सातत्याने ते स्पर्धा कव्हरेज करत असतात। देखिए प्रीतम भाई, इस समय पहिले ओवर का खेल खत्म हो चुका है, दूसरा ओवर प्रोग्रेस पे। इस समय जिस खिलाड़ी के ऊपर ज़्यादा मदार थी वही खिलाड़ी मैदान से बाहर हो चुके हैं। महेश भोईरा भी क्या कहेंगे? नहीं मगर कारगिल टीम ऐसी टीम है कि जो कभी भी कमबैक कर सकती है क्योंकि उनके पास बल्लेबाजी का क्रम जो है बहुत लंबा है और कहीं ना कहीं शुरुआत की है भाई ने, देखते आगे क्या होता है क्योंकि क्रिकेट तगड़ी बैटिंग लाइन है उनके पास। लेकिन इस समय नेहरा टीम के अपने इलाके की एक बहुत बढ़िया टीम है, जिधर भी जाती है उनका नाम का डंका बजता है। लेकिन इस समय नेहरा ने बना है 43 रन 4 ओवर में और ये डिफेंड करेंगी या चेस करेंगी इस समय कारगर टीम या डिफेंड करेगी नेहरा टीम ये देखना पड़ेगा। लेकिन ये ओवर क्रमांक दूसरा चालू है। इस समय गेंदबाज संतोष की द्वारा ये हमारे कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज, अरे बाईं हाथ के बल्लेबाज विकास। ये देखिए बढ़िया स्ट्रोक लगाया लॉन्ग ऑफ के ऊपर, रीजन पे ये गेंद आई है। इस समय गेंद को खिलाड़ी ने उठाया, तब तक एक रन इस समय स्कोर बोर्ड पे। और काफी बेहतरीन लाइन और लेंथ हम यहाँ पे देख रहे हैं क्योंकि सामने भाई है, मगर जिस तरीके की गेंदबाजी अभी नेहरा टीम की तरफ से हो रही है किसी भी तरीके से हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे। अगर बैट का स्विंग उस लेवल पे नहीं आएगा तो आप बड़े शॉट्स नहीं मार सकते और यहाँ कहीं ना कहीं इनको अभी खुद के ऊपर देखना पड़ेगा, सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा कि हम किस लेवल की बल्लेबाजी और मिनट के हिसाब से कैसे बल्लेबाजी करें। यस यस अभी खुद के ऊपर भरोसा जताना पड़ेगा और ये मैदान आप देख सकते हैं, इस मैदान के ऊपर बड़े बड़े छक्के चौके आते हैं। अब गेंद के मिनट से सबसे खेलना पड़ेगा। देखिए लोअर फुलटास गेंद फेंकी थी इस समय या विनोद पाटिल और उधर तुतुमय में हो चुकी थी, लेकिन ये गेंद आखिरी समय में गेंद का इसी में रखेंगे बाहर। 10 रन के लिए टाटा बाय बाय 4 रन। धन्यवाद डीजे। गणेश मात्रे हमारे ऊपर ध्यान दे नहीं रहे थे, रात को बहुत बार हमको बोले थे क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए बोले, लेकिन आज हमारे ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे। ध्यान देना चाहिए क्योंकि हमारी टीम इस समय बाद हो चुकी है, क्योंकि हमको अभी माइक के ऊपर ही चिल्लाना है।
नहीं नहीं सत्यवान जी एक ध्यान में रखिए, पड़गा टीम अगर कुछ बोलेगी ना आपको, अगर कुछ देने वाले तो दिल खोल के देते, ध्यान में रखने का। तो लेकिन समय समय की बात है, शाम कभी आएगी और शाम आते आते इधर हमारा गला खराब हो जाएगा। लेकिन इस समय फंबलिंग देख रहे हैं, शतरक्षक वहाँ पे फंबलिंग, इस समय दो रन और ये दो ओवर का मुकाबला खत्म और स्कोरबोर्ड 11 के ऊपर, अभी भी 12 गेंदें बची और जीतने के लिए करीबन 33 रनों की जरूरत, 12-33 का समीकरण बीच मैदान में इस समय। नहीं अभी भी मैं कहूंगा सत्यवान जी बड़ा स्कोर नहीं है, क्योंकि 16 का रन रेट अभी अभी रिक्वायर्ड रन रेट है आप देखेंगे, और यहां से कहीं ना कहीं कमबैक अगर करना है तो बड़े शॉट्स लगाना होगा। बड़े शॉट्स अगर यहां पे आते हैं तो आखिरी के ओवर में कहीं अगर 14 रन बचते हैं ना तो मजा आएगा मैच में। देखो जरूर 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 जरूर, ये दोनों जो बल्लेबाज है विकास और भाई, इनमें काबिलियत है, ये बड़े बड़े स्ट्रोक लगाते हैं। जो स्ट्रोक लगाने के लिए माहिर थे यशवंत और महेश भुईर, वो तो दो खिलाड़ी मैदान के बाहर आ चुके हैं, लेकिन अभी भाई और विकास ये बढ़िया स्ट्रोक लगाने में माहिर है, इनको बड़ा स्ट्रोक लगाना पड़ेगा। और इस समय क्या गेंदबाजी की है दोनों गेंदबाजों ने, पहला गेंदबाज दिनेश और दूसरा गेंदबाज संतोष, बढ़िया लाइन से लेन लाइन से गेंदबाजी, विकेट टू विकेट मारा किया और बल्लेबाज को खुल के मौका नहीं दिया खेलने के लिए। और अभी देखिए और एक नया गेंदबाज, इस समय गेंदबाज आते हैं हमारे राजेश आए। आपने एक देखा होगा कि अभी मैं थर्ड अंपायर के लिए गया, यहाँ पे पनवेल तालुका कमेटी की तरफ से एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया है थ्रो बॉलर के लिए, कि जो भी गेंदबाज के ऊपर आक्षेप आएगा, अगर किसी ने ऑब्जेक्शन ले रहे हैं तो उसका एक स्लो मोशन में वीडियो बनाया जाएगा जो पूरे कमेटी के सामने रखा जाएगा, और उसके बाद में गेंदबाज अगर थ्रो है तो उसको बैन किया जाएगा पनवेल तालुका कमेटी की तरफ से। कैसा लगता है आपको? यस, बढ़िया नियम है ये, नियमावली होनी भी चाहिए, क्योंकि 20 साल पहले आप यंग थे और उस समय आंखों की रोशनी अलग थी, अभी जैसे मैदान में 20 साल के बाद आप उतरते 40 प्लस उतरते तभी आंखों की रोशनी कम होती है, गेंद किधर लगने की संभावना है। लेकिन गेंदबाजों को भी समझना चाहिए कि थ्रो करे या सीधी सीधी गेंद फेंके। लेकिन इस समय देखिए अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, उस समय फील्ड अच्छी और एक रन मुकम्मल। यहाँ पे कारगिल टीम पूरी तरीके से यशवंत और महेश के ऊपर निर्भर लग रही है, क्योंकि किसी भी तरीके से सेकंड रन लेने की कोशिश नहीं कर रहे। मैं कहता हूँ क्रिकेट में अगर आप पहला रन फास्ट लेते हो तो आपको मौका मिलता है सेकंड रन लेने का। मैं यंगस्टर्स क्रिकेट में भी देखता हूँ और 40 प्लस में भी काफी समय पर देखता हूँ कि पहली रन बहुत स्लो लेते हैं, दूसरे रन की कोशिश ही नहीं करते, ये कहीं ना कहीं गलत है मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है? जरूर जरूर, पहली रन आप फास्ट लेते हो तो दूसरा रन आसानी से मिलता है, लेकिन पहली रन जरूर आप यहाँ से लेना चाहिए। और ये देखिए विकास के बल्ले के पल्ले गेंद अच्छी तरह से नहीं आ रही है और एक रन, लेकिन ये जो गेंदबाज है ना, ये 54 का गेंदबाज है ना, ये हमारे राजेश जी हाँ, ये जिनका 54 है। यस, क्या बढ़िया गेंदबाजी है हमारे 54 के, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए ये गेंदबाज के लिए। हाँ, और डॉक्टर साहब उनको देखिए मस्त की कीपिंग की भूमिका निभाते, फुल टच गेंद और इस समय भाई के बल्ले से गेंद गई सीधा मिड विकेट के रीजन से गेंद गई और एक का सगाई देखने के लिए गेंद पड़गा गांव में 6 रनों के लिए। बाद डीजे, क्या अप्रतिम डीजे इस समय बजाते हुए हमारे डीजे मास्टर, और एक गेंद और एक सही लाइन के ऊपर गेंद फेंकी, इस समय भाई ने खेला लॉन्ग ऑफ के गेंद को फील्ड किया गया, इस समय गेंद थ्रो तो बढ़िया अच्छा था लेकिन गेंद लपक नहीं पाए गेंदबाज राजेश, इस समय 2 रन। अभी देखिए 21 रन तो आने वाली गेंद 7 और जीतने के लिए 23 रन की जरूरत, मतलब ये गेंद में अगर बड़ा शॉट आता है तो कहीं ना कहीं कमबैक दिखाई देगा खारगर की ओर से। yes. मगर वो कोशिश भाई को करनी होगी। यस yes, लेकिन बड़ा शॉट मारेगा कौन, भाई या विकास? जरूर जरूर भाई को ही मारना पड़ेगा। ये देखिए इस समय बड़ा हिट आया नहीं, गेंद विनोद के पास, इस समय 1 ही रन, अभी गेंद 6 और जीतने के लिए 22 रनों की जरूरत। आइए आइए अदाई 40 प्लस मास्टर, अभी आपको बल्लेबाजी करनी है। किशोर भोपी इस समय, रवि भागवत आया क्या?
हाँ नीलेश शेलके, हमारे दीपक शेलके आइए, मनोहर, श्रीचंद भंडारी, एक ये आधी टीम है ना, एक मस्त टीम लगती है। इनका ड्रेस कोड भी हमारे जैसा ड्रेस कोड है, बोलबोली और आधी का ड्रेस कोड सेम सम है। नहीं, आधा ही टीम के बारे में कहूंगा, एक एटीट्यूड है टीम में। हाँ, हमेशा जीतने का एटीट्यूड होता है, हमेशा कोशिश करते हैं। आप फील्डिंग की तरफ देखोगे तो नीलेश वाघमारे की हमेशा मैं एक तारीफ करता हूँ। पानी 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 की मांग की है, पानी लेके जाओ। हाँ, आज भी मुझे याद है, सुभाष ठाकुर को भी याद होगा, बांटिया के मैदान में एक मैच हुई थी पड़गा वर्सेस अदई, और वहां पे कैच पकड़ा गया था, लपका था नीलेश वाघमारे ने, बेहतरीन कैच, आज भी याद है, और उस कैच की वजह से हम मैच हारे थे और अदई ने मैच जीता था। हाँ, हमारे ज्ञान भंडारी भी है, हमको अभी अभी देखे आप नैन भंडारी, बढ़िया। हमारे नवीन परमेश्वर शिवसेना प्रमुख आप है ना, बराबर ना सर? यस, हमारे नैन भंडारी, तो यस नैन भंडारी आ जाइए, आपका अंतर दिल से स्वागत। हमारे मनोहर भी है, हमारे नीलेश वाघमारे भी है, सब बढ़िया है। आने वाले 6 गेंद और जीतने के लिए 22 रनों की जरूरत। अभी भी मौका है, सबको मौका पे चौका, कौन दागेगा, ये भाई दागेगा क्या विकास दागेगा? चलो मचिंद्र माद्रे, आप खेल चालू करिए, अपने पास समय नहीं है, समय की बात है। और आने वाले मुकाबले 3 ओवर के खेले जाएंगे, ये अदई और फर्स्ट मैच 4 ओवर का, और दूसरा सेकंड मैच इस समय 3 ओवर के रहेंगे। लेकिन पालेश्वरी पालीपुत्र का टीम का क्या कहना है, रुपेश शुलवेकर फाइटिंग टीम है, लेकिन वलवली टीम को उसने परास्त किया। लेकिन पालेश्वरी नाइट में वही 2 टीम भिड़े थे फाइनल के मुकाबले में, तभी वलवली टीम ने डंका बजाया था, लेकिन वो वही ये बढ़िया वही टीम आज फाइनल का मुकाबला और एक खेलेंगी। थोड़ा सा फंबल इस समय फील्डर और ये दो रन मुकाबला। अरे भले 5 गेंद और जीतने के लिए 20 रनों की जरूरत, 5 गेंद पे 20 रन, एक बढ़िया मल्टी हिट लगना ही चाहिए इस समय। नहीं, जरूरत है, क्योंकि अभी भी कमबैक कर सकते हैं। देखिए, मैच कभी भी आप रुख बदल सकते हैं मैच का, मगर मैच रुख बदलने के लिए आपका पहला तो खुद का कॉन्फिडेंस सबसे जरूरी है, और वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं भाई को दिखाना होगा। मगर सामने गेंदबाज उसी लेवल के गेंदबाज है जो कहीं ना कहीं कमबैक करने नहीं दे रहे, पहली रन फास्ट लेंगे, सेकंड रन के लिए चांस बनता है, और कोई कोशिश कहीं ना कहीं खागर टीम की ओर से, फिर से फंबल। या अविनाश जो फील्डर है ना यहाँ पे, इसकी फिटनेस अगर देखेंगे तो रुपेश उलवेकर, ये ऐसे जो फील्डर्स है, अभी थोड़ी देर पहले कोहली का भी जो फील्डर था वो भी इसी तरीके के, इन्होंने अपने शरीर को उसी लेवल पे रखा है, अभी 18 के लगते हैं लोग, मेंटेन करके रखा है। ये देखिए हमारी इसका राज क्या पता नहीं, कुछ गुपचुप राज होगा तो पता नहीं कुछ इसके पीछे। ये देखिए यॉर्कर लाइन की गेंद, क्या सटीक लाइन से गेंद फेंकी, जबरदस्त गेंदबाजी इस समय। गेंदबाज गजनन विशाल के द्वारा ये गेंद फेंकी, क्या बढ़िया गेंद, लाइन सटीक लाइन से गेंद यॉर्कर। अभी आने वाली 3 गेंद जीतने के लिए 18 रनों की जरूरत। यस, और एक थर्ड अंपायर, जाइए। यस, वो फ्रिज के अंदर बैठना पड़ेगा शायद। यस, जरूरी है रुपेश उलवेकर, उसके अंदर बैठ के मेरे को कमेंट्री करना पड़ेगी, पानी पीने के लिए ठंडा मिलेगा। हाँ यस, फ्रिज चालू करो आप। यस, चलो लहू भाई, वो फ्रिज चालू करो और आए और माल कमाल लेके आओ उसके अंदर। हाँ, ठंडा चिल्ड शाम का अमृत तुल्य जयदश भाई उसके अंदर आना चाहिए। लहू हमारे एक बढ़िया है, क्या उनको क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे लहू भाई पता नहीं है। और देखिए गजनन या विशाल, ये देखिए बढ़िया उठाया गेंद, गई सीधा, और एक तीसरी सगाई देखने के लिए पड़गा गांव में आ जाओ टाटा भाई, चलो। हाँ भाई, जले देवड़िया मिदे इन दिरकिया तुलर, भाई जले देवड़िया दे इन दिरकिया तुलर, डीजे सूरज गुण दाखो मार गया पलर। ये देखिए हमारे सूरज साहू जी हमको चाय पिलाने के लिए बुलाते हैं। हाँ, ये देखिए शूज भी आ गए हमारे संतोष स्पॉन्सर की तरफ से, इस समय सुमित इलेवन की तरफ से शूज। आज क्या ये पड़गे का आयोजन है ना, बढ़िया, सब कुछ ना कुछ लेके आते। 2 गेंदे 12 रन की जरूरत, और इस गेंद पे छगा आना चाहिए था भाई के, और ये 2 रन आ गए, और अभी बीच भोर में नैया फंस चुके, और 1 गेंद
और 10 रन की जरूरत। अगर नो फेंकते उस गेंद के ऊपर चौका या छक्का आता है ना तो गणेश जी मैच में मजा आ सकती है। लेकिन विशाल क्या करेंगे, ये देखिए फुलटास गेंद और जीत का सेहरा बांध चुकी है इस समय नेहरा 40+ टीम मास्टर और पराभूत इस समय हो चुकी है खारगर टीम। चलिए खारगर टीम ने इस समय इस श्रृंखला में अपना नाम दर्ज किया, उसके लिए उनका तहे दिल से हम सर से आभारी है। और नेहरा टीम आपको अगले मैच के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अगले मैच के लिए हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। और नैन भंडारी आप आज और मैन ऑफ द मैच विनोद पाटिल मैन फ्रॉम नेरे 12 गेंदे और 24 रन। नित्य भाई तो हमारे महेश भोईर आपको जाना नहीं है, मैन ऑफ द मैच अगली दूसरी ट्रॉफी चलती है। सामना वीरची ट्रॉफी देण्यासाठी मी प्रशांत पवार यांना विनंती करतो की आपण